हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साक्षी सेठी और आप देख रहे हैं इंडियन यूट्यूबर साक्षी सेठी के व्लॉग्स। तो बस जी, एनएसक्री से अब हम जा रहे हैं ब्रे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ से हम एक स्पेशल जगह जा रहे हैं, तो यही है वो स्पेशल जगह। ये मेरी पिछले बारी भी वन ऑफ दी फेवरेट्स जगह थी और आज भी मुझे इससे सुंदर जगह नहीं दिखती है। हम पहुँच गए हैं ब्रे। ये एक समुद्र है और प्राग में ना यार ये नहीं है, मतलब बीचेस वगैरह नहीं है और माउंटेन्स भी एक्चुअली नहीं है। तो ये सबसे अनोखी बात यहाँ की मुझे यही लगती है कि यहाँ पर बीच और माउंटेन्स दोनों ही है। और जैसे दोनों लोगों को तो जाना पड़ता है माउंटेन के लिए, मतलब काफ़ी सारा तामझाम लेकर कि अब हम पहाड़ों पे जा रहे हैं, लंबा सफ़र होगा। बट यहाँ पर हम आधा पौना घंटे में पहाड़ों पे भी पहुँच गए और वापस समुंदर पे भी पहुँच गए। तो ये सब कुछ एक ही जगह पे मिलना तो मुश्किल होता है। सो चलिए देखते हैं आज ब्रे में हमारे लिए क्या है। इंडियन है, पाकिस्तान का फ्लैग लगा उस पे। अरे जो थ्री व्हीलर रिक्शे उस पे उतर जाए। Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze fills up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts bound. In the quiet, we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a laugh, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in pink blankets, under the sheets. Lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. Coffee stains on the table, lazy kisses, we're unable to escape this cozy bubble where we're lost in each other's troubles. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts bound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a laugh, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in pink blankets, under the sheets. Lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. पूरी देख ले, ऐसा होता है बीच। पूरी तू टोपी टूपी नहीं पहन के आता। और बस यार, यहाँ पर बीच में थोड़े पत्थर पत्थर मार के, पानी तो ऐसा बर्फ था और पानी में तो जा नहीं सकते थे, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट छोटे बच्चों के लिए, पूरी के लिए मैं बार बार पूरी को यही बोल रही थी कि ठंड बहुत है और तू बिना टोपी के आ गया है। बस थोड़ी देर यहाँ पर हमने टाइम पास किया, फिर हम लोगों ने कुछ खाया पिया, वैसे इन कार ही खाया क्योंकि बाहर निकलने का हाल नहीं था। फ़ोटो फोटो खिंचवाई यहाँ पर, देखो लग रहा है फ़ोटो खींच रही है लेकिन चल वीडियो रही है। तो थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो खिंचवाई और फिर हम लोग निकल गए। वीडियो दोबारा की है क्या? लग रही है भैया चॉकलेट आइसक्रीम में, बहुत अच्छी आइसक्रीम। तभी ये चल रहा है भैया, यहाँ हवा
हवा का तो कोई पार ही नहीं है। इसी के साथ जब तक भाई और पापा जा रहे थे कुछ खाने पीने का सामान लेने, हम लोगों को दिख गया ये पार्क। ये ब्रेक के सामने ही प्लेग्राउंड था और अच्छा छोटा बच्चों के लिए मस्त वाला प्लेग्राउंड था, तो हमने कहा चलो यहाँ पर थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे क्योंकि हम यू नो पानी के पास बहुत ज़्यादा हवा थी तो वहाँ हम जाने नहीं दे रहे थे इनको। तो यहाँ पर थोड़े बहुत मज़े इन्हें अच्छे से आ गए एंड बहुत इन्जॉय किया। स्पेशली आला ने तो बहुत 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 इन्जॉय किया क्योंकि यूजुअली इतना मौसम वेदर ख़राब होता है यहाँ का, तो ये बच्चे ज़्यादा बाहर तो नहीं जा पाते, तो जब जाते हैं तब ये बहुत खुश थे। बस इसके बाद हम सीधा पहुंच गए घर पे। ये देखो मिस्टर लड्डू सिंह आ गए हैं, इसको बुखार था यार इसलिए इसको लेकर नहीं जा पाए, और थोड़ा घर का जो हालत है उसको इग्नोर करो क्योंकि जहाँ छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर ये सब भी होता है। यहाँ पर चल रही है डांस पार्टी बच्चों की। लड्डू तो बस यार घर आके हम लोग बहुत बहुत थक गए थे क्योंकि सुबह से निकले हुए थे एंड अब हिम्मत नहीं थी इसके आगे कुछ भी व्लॉग शूट करने की क्योंकि ये व्लॉग एनएसक्री तक का चलता हुआ आ रहा है। थोड़ी सी हमने प्यारी प्यारी सी फोटोज़ कैप्चर करी तीनों बच्चों की और बस उसके बाद खाना खाने बाहर नहीं गए, खाना घर पर ही मंगा लिया था और बस वही टाइम स्पेंड किया। कुछ भी वीडियोस के आगे मैंने नहीं शूट करी और उम्मीद है अगर आपको हमारे आइलैंड के व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।